काट देंगे, दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। देखिए एक चेन बनाएंगे। देखिए धागा थोड़ा लंबा खींच देंगे। फिर से धागा थोड़ा लंबा खींच देंगे और बना देंगे। देखिए और इसको एक फंदे को छोड़ देंगे, एक चेन को छोड़ देंगे, दूसरी वाली चेन में बांध देंगे। देखिए फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से धागा लंबा खींच देंगे, फिर धागा लंबा खींच देंगे और फिर से एक चेन छोड़ के दूसरी वाले में बांध देंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से धागा थोड़ा लंबा खींच देंगे, फिर से धागा थोड़ा लंबा खींच देंगे और बना देंगे। देखिए एक एक चेन छोड़ के दूसरे वाले में बांध देंगे। तो ऐसे ही हम अपनी यहाँ से यहाँ तलक बना लेंगे, फिर दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए हमने अपनी पांच चेन छोड़ दी हैं, तो देखिए उनको हम कैसे बनाना है। देखिए एक दो तीन चार, चार चेन बनाएंगे और धागा ऐसे क्रोशिया में लपेटेंगे और इस वाली चेन इसी के पास से, इस वाली चेन में से हम अपना एक फंदा बनाएंगे। तो देखिए फंदा लंबा खींच देंगे और इसी में से तीन बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए धागा निकालेंगे नहीं क्रोसिया में से, क्रोसिया में ही रहने देंगे। देखिए अब इन तीनों को एक साथ बना देंगे और इस वाले फंदे को हम अभी नहीं बनाएंगे और फिर से इसमें बनाएंगे तीन बार, एक दो तीन। फिर से इन तीनों फंदों को निकाल देंगे। देखिए हमारे पास तीन फंदे हो गए। फिर से बनाएंगे वैसे ही, एक दो तीन। फिर से इन तीनों फंदों को निकाल देंगे तो हमारे पास चार फंदे हो गए। फिर वैसे ही बनाएंगे, एक दो तीन। फिर इन तीन फंदों को निकाल देंगे, इन्हीं तीनों फंदों को, तो हमारे पास ये पांच फंदे हो गए हमारे, एक दो तीन चार पांच। अब पांचों को एक ही साथ बना देंगे। देखिए चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, और एक ये वाला फंदा हमने छोड़ा था इसी में बना देंगे। धागा काट देंगे। देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए हमने सुई में ऊन डाल ली है और एक गांठ लगा लेंगे। देखिए हमको ऐसे लपेटना है।
देखिए ऐसे ही लपेट लेना और सुई से सिल देंगे। यहाँ पर भी टाँप देंगे सुई से। धागा काट देंगे। देखिए हमारा फूल बनके तैयार हो गया है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। देखिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।